कांग्रेस को अपने पुराने दिन चाहिए, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं छोड़ना है, तो वहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बने बने ही, जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए, वैसे ही उन्हें मौका मिल जाए प्रधानमंत्री की कुर्सी का। अब ये कैसे संभव हो सकता है आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही पेचीदा सवाल है और इस सवाल का हल कहीं ना कहीं बिहार और सहित देश के राजनीतिक दल के जितने भी नेता हैं वो खोज रहे हैं कि आखिर कौन वो शख्स होगा, कैसे इस देश की सत्ता को हस्तांतरित कराया जाएगा और बदला जाएगा, नरेंद्र मोदी के सामने कौन मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है। इसकी तलाश बहुत मजबूती से जारी है और इसको लेकर के कई तरह की रणनीति और योजनाएं बन रही है। आज के भोरे भोर में हम आपसे इसी विषय पर बात करने वाले हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार धर्म संकट में फंस गए हैं क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें एक ऐसा ऑफर दे दिया है जिसकी चर्चा हम कमोबेश आपसे पिछले एक सप्ताह से कर रहे हैं। और एक सप्ताह ही क्यों, हम तो पिछले 6 महीना से लगातार आपके सामने ये सवाल रख रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब इस जगह पर आ गई है जहां उसे एन केन प्रकारे ना देश की सत्ता पर से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करना है। इसके लिए वो हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार है। हाल फिलहाल में हमने आपको बताया था कि नसीर हुसैन आए थे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं ना कहीं कांग्रेस बिहार हो या फिर देश के किसी भी राज्य में मजबूती के साथ खड़ी है और हर हाल में चाहती है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर दें। अब ये कैसे पूरा होगा इसके लिए योजना भी बनी। आपको हमने बताया था कि किस तरह से सोनिया गांधी ने एक बड़ा प्रयोजन किया था और बड़े कैनवास पर तस्वीर खींचने का प्रयास किया था। उन्होंने देश के जितने भी गैर भाजपाई दल हैं उन्हें आमंत्रित किया था, एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी के बाद G23 के गठन की तैयारी शुरू हो गई थी। कहा यह जाने लगा था कि कहीं ना कहीं अब ये देश एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है और इस नई दिशा में कांग्रेस जो है लीड करेगा। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से इस बात को लेकर के प्रशांत किशोर के साथ मंत्रणा हो रही थी और इस मंत्रणा के बाद प्रशांत किशोर के साथ लगता है कि बात नहीं बनी या कहीं जाकर के मामला अटक गया था। फिर से प्रशांत किशोर एक बार ममता बनर्जी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे जहां असफल नजर आए, ममता बनर्जी को एक्सेप्टेंस नहीं मिला और कहीं ना कहीं शिवसेना और NCP के सुप्रीमो शरद पवार ने ये कह करके मामले को वहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया और पुराने मामले को फिर से हवा दे दी, जिसमें कहा उन्होंने कि बिना कांग्रेस के एक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध देशव्यापी नहीं बन सकता है। इन सारी बातों को लेकर के अब एक चर्चा बहुत जबरदस्त है बिहार में। इस बात की चर्चा है कि कहीं ना कहीं जाप और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन, जो कि कांग्रेस की मानी हुई सदस्य है और इसके साथ ही वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, पूर्व सांसद रही हैं और अपनी बातें मुखर होकर के रहती हैं, उनके एक बयान के बाद कहीं ना कहीं इस बात की तरफ अब धीरे धीरे चर्चा तेज हो गई है, सुलगने लगी है वो चर्चा जिसमें कांग्रेस ने नीतीश कुमार को उटकेरा है, नीतीश कुमार को हिलाया डुलाया है और उनकी मनसा भापी है। इससे ठीक पहले आपको बता दें कि भीतर खाने में अगर चर्चा नहीं चल रही थी तो फिर ये ज़रूरत क्यों पड़ी ललन सिंह को, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अचानक से वो कांग्रेस को उदार होने की बात कहते हैं। ये चर्चा हम पिछले एक सप्ताह से कर रहे हैं और इसके पीछे की रणनीति कहीं ना कहीं बिहार में बननी शुरू भी हो चुकी है। हमने आपको बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में संबंध मधुर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग भी रहे हैं, अलग अलग खेमे में रहे हैं, फिर भी कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच एक ऐसा संबंध रहा है जो बहुत ही सॉफ्ट रहा है। हमेशा नीतीश कुमार कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट रहे हैं, या 2015 के जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा था महागठबंधन के बीच में, तब भी कांग्रेस को उन्होंने विशेष स्थान दिया था और दिलवाया था। वही नहीं, इसके पहले भी जब वो सत्ता में रहे हैं बिहार में और UPA की सरकार रही है केंद्र में, तब भी नीतीश कुमार के साथ बेहतर संबंध रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब रंजीता रंजन के जो बयान आए हैं, जो भीतर खाने में चर्चा चल रही है, पप्पू यादव भी लगातार कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट हो रहे हैं। उपचुनाव में आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में अपने उम्मीदवारों को रोक दिया और उपचुनाव में कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया था। उन सारी बातों को, कड़ियों को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जो सिक्कड़ है जो तैयार हो रहा है, ऐसा चेन तैयार हो रहा है जो इन संबंधों को जोड़ रहा है।
बेल मिलने के बाद, रिहा होने के बाद, पप्पू यादव ने जिस तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है नीतीश कुमार के प्रति, वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। लेकिन रंजीता रंजन ने जो बातें कही है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उन्होंने कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध कर रही है, ऐसी स्थिति में सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आकर सरकार बनाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर इतने सब के बावजूद नीतीश कुमार ये सब बर्दाश्त करते हैं और टिके रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ये बात स्पष्ट होती है कि सिर्फ उन्हें सत्ता चाहिए और उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है। जितनी भी बातें बिहार के विकास की या अन्य बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ खोखले उनके वादे हैं जो कागजों पर हैं। इन सारी बातों को लेकर के सीधी तौर पे हमने आपको बताया था कि इससे पहले भी कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साल के पहले दिन ही नीतीश कुमार को एक बड़ा ऑफर दे दिया था कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ करके आए, गठबंधन तोड़ कर आए और उन्हें हम स्थान देंगे, उन्हें हम सम्मान देंगे। रंजीता रंजन ने कहा है कि शराबबंदी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना हो, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना हो या अन्य मुद्दे हो, बिहार को के हक हकूक की का डिमांड हो, बीजेपी नीतीश कुमार का हमेशा विरोध करती रही है, उनके डिमांड को खारिज करती रही है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ टिके हुए हैं तो कहीं ना कहीं एकमात्र उनका उद्देश्य कुर्सी है। इन सारी बातों को लेकर के रंजीता रंजन ने साफ तरीके से कहा है कि गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ें, हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि गठबंधन के साथ मिलकर वो बिहार में सरकार बनाने के लिए भी अगर आए तो हम हर हाल में उन्हें ये ऑफर देते हैं और हम उन्हें इसके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी 2013 में जब वो आए थे तो बिना शर्त हमने समर्थन दिया था और इसके लिए हमने वो माहौल तैयार किया था जिससे नीतीश कुमार को कोई असुविधा नहीं हो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार के साथ मतभेद करती है, बिहार को उसका हक हुकूक भी नहीं देती है, नीतीश कुमार को बैकफुट पर ले जाने का काम कर रही है, इससे साफ लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ रह करके खुश नहीं है। हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में लालू प्रसाद ने भी इस बात की चर्चा की थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आना चाहते थे फिर से महागठबंधन में, लेकिन तब माहौल उसके अनुकूल नहीं था। आपको बता दें कि इन सब बातों के बीच रंजीता रंजन ने स्पष्ट कर दिया है कि शराबबंदी को जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐतिहासिक फैसला के रूप में लेकर के, चैलेंज के रूप में लेकर के उसको लागू किए रहने की बात कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो शराबबंदी कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं। यह इसलिए क्योंकि आए दिन बिहार में शराब बरामद होने की खबरें आती है, जहरीली शराब के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है, आरोप है कि दूसरे राज्यों से लाकर बिहार में शराब बेची जाती है। रंजीता रंजन का कहना सीधा इशारा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे की भी रणनीति जो है वो हो सकती है कि नीतीश कुमार को बदनाम करने की भी हो। बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के भी नीतीश कुमार ने जब जब सवाल खड़ा किया है तब तक केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार की इस मांग को खारिज किया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट में जब बिहार पिछड़ा गरीबी रेखा में सबसे नीचे पैदान पर दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी की केंद्र सरकार कहीं ना कहीं बिहार को विशेष पैकेज देने के नाम पर झूठ मूठ का खाली बहाना कर रही है और नीतीश कुमार सबको बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हैं। विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान यूपीए शासन में खत्म हो गया था, ये बातें कह करके वो ऐसा कुछ भी करने से हाथ पीछे खींच ले रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करे और नीतीश कुमार बिहार की जनता के नज़रों में आए। सीधे तौर पे 122 विधायकों की ज़रूरत होगी नीतीश कुमार को, कांग्रेस, राजद, वाम दल मिलकर महागठबंधन के पास 110 विधायक हैं। नीतीश कुमार को किसी भी परिस्थिति में आज अपने 45 विधायकों के साथ महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए जिससे कि बिहार की जनता को उसका वास्तविक हक हुकूक मिले। नीतीश कुमार ने इससे पहले भी किया है कि वो महागठबंधन में रहते हुए एनडीए की तरफ गए थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए और बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार का ये मकसद पूरा नहीं हुआ। अब पिछले 4-5 सालों में जो कुछ भी हुआ है उसे नीतीश कुमार ने देखा है। नीतीश कुमार के पास एक मौका है जो वो वापस आए।
अब समझ सकते हैं आप कि कांग्रेस के इस ऑफर के बाद निश्चित रूप से नीतीश कुमार धर्म संकट में जरूर हैं, और देखना होगा कि नीतीश कुमार इस धर्म संकट से कैसे निकलते हैं। निकलते हैं तो क्या बिहार में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? कांग्रेस तैयार है, राष्ट्रीय जनता दल भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसके भी मन में जो बातें हैं, राबड़ी देवी ने कल बयान दिया है, वो साफ नज़र आता है कि वो नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़ी हैं, और बिहार के लिए हर कोई खड़ा होने के लिए तैयार रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि वो धर्म संकट से बाहर निकलते हैं या फिर उसी स्थिति में रह करके अगले कई सालों तक सरकार चलाने के लिए मजबूर रहते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भोरे भोर में हमारा आपका साथ यहाँ तक रहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात यहाँ तक सुनी, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।